गुड मॉर्निंग। क्योंकि लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हेरिडिटी और इवोल्यूशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या था कि जिस भी करेक्टरिस्टिक को, जिस भी फीचर को नेचर ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और वही क्या जाएगा नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर क्या होगा, पास आउट होगा। इसी को क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता था, जीन्स के ऊपर, जेनेटिक इवोल्यूशन के ऊपर, कि जीन्स के अंदर क्या है, कुछ इवोल्व हुआ है और वही जो जीन क्या हो गए नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर क्या हो गई, पास आउट हो गई। और कौन से जीन इवोल्व हुए हैं जिनको नेचर ने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, वो क्या कहलाएगा हमारा, नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन स्पेसिएशन क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज, कि एक नए स्पीसीज का क्या होना, फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज किससे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। ये पहले से कोई स्पीसीज क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और उस स्पीसीज से क्या होगा, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, तो क्या कहलाएगा, स्पीसिएशन। ये फॉर्मेशन ऑफ नई स्पीसीज, कि नई स्पीसीज क्या बनेगी, इवोल्व होगी। तो स्पीसीएशन किस किस वजह से हो सकता है, एक तो जेनेटिक जीन फ्लो की वजह से। जीन फ्लो क्या होगा कि नेचर ने क्या कर लिया, जीन सेलेक्ट कर लिया, और वही जीन क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होगा, पास होगा। तो उससे भी क्या होगा, एक नई जनरेशन बनेगी, क्योंकि नई जनरेशन के अंदर जब नया जीन पास होगा तो क्या आएगा, कुछ चेंजेज आएंगे, और चेंजेस क्या करेंगे, उस स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगा, जीन के अंदर क्या आ गए, सडन चेंजेज आ गए। सडन चेंज किसके अंदर आ गए, जो जीन के एलील्स हैं, जीन के अंदर क्या होंगे, एलील्स प्रेजेंट होंगे। एलील्स क्या करते हैं, एक जीन को कोऑर्डिनेट करेंगे, जीन क्या करेगा, उस फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेगा, कि हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होने किसके तरफ कंट्रोल होगी, जीन के द्वारा। तो उस जीन की जो एलील है, एलील्स के अंदर क्या आ गया, सडन चेंज आ गया। और सडन चेंज से क्या होगा, जीन के अंदर चेंज आएगा, और वही एलील्स क्या होंगे, नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर क्या होंगे, पास आउट होंगे। पास आउट होंगे तो वहाँ क्या आएगा, न्यू करेक्टर्स अराइज होंगे। न्यू करेक्टर्स अराइज होंगे तो क्या होगा, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या होगा, स्पेसिएशन होगा। नेक्स्ट क्या है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कि एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण भी क्या होता है कि दो एक स्पीसीज है हमारे पास, मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर एक स्पीसीज है, इसके अंदर कोई भी बैरियर आ गया, फिजिकल बैरियर आ गया, जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, तो दोनों स्पीसीज क्या हो गई, अलग अलग आई, दोनों के अंदर क्या है, कुछ इवोल्यूशन होता गया, कुछ चेंजेस आते गए, और वहाँ से क्या हो गया, दो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक स्पीसीज है, इस स्पीसीज के अंदर से मान लो कोई रिवर आ गई या कोई माउंटेन आ गई, मान लो रिवर आ गई, यहाँ से क्या आ गई, रिवर आ गई, तो रिवर आएगी तब साथ क्या करेगी, सॉइल को फ्लो करेगी, तो सॉइल को यहाँ से कट करके लेकर जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर जब यहाँ से रिवर आ गई, रिवर अपने साथ क्या ले जाएगी, सॉइल की, तो डेप्थ क्या हो जाएगी, डेप्थ में चला जाएगा। तो मान लो यहाँ पर क्या होगा, एक स्पीसीज एक प्लेस यहाँ बन गए, दूसरा प्लेस यहाँ पर, दोनों क्या हो गए, आइसोलेट हो गए। पहले क्या थी, इसकी डेप्थ कम थी, डेप्थ कम थी तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म था, जो भी स्पीसीज थी, मान लो एक स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिज्म है, यहाँ भी इसके सेम स्पीसीज, यहाँ भी क्या सेम स्पीसीज, तो क्या थे, ये इस प्लेस से इस प्लेस में रहती थी, ये इस प्लेस से इस प्लेस के अंदर, क्योंकि जब वाटर फ्लो क्या था, कम था, तो क्या दोनों क्या होते थे, एक दूसरे के पास आ जा रहे थे, दोनों के अंदर क्या होता था, रिप्रोडक्शन भी हुआ था, कि ये स्पीसीज इसके साथ क्या कर रही थी, रिप्रोडक्शन, ये वाली स्पीसीज इसके साथ क्या कर रही थी, रिप्रोडक्शन हो रही थी, सभी के अंदर क्या थी, सेम जीन्स थे, इधर तक क्या हुआ, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये डेप्थ में जाता गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो अलग अलग क्या बन गई, स्पेस बन गई, यहाँ पर भी क्या है, अलग स्पेस है, यहाँ पर भी क्या है, एक अलग स्पेस है। तब ना तो ये स्पीसीज इस जगह पर जा सकती है, ना ही ये स्पीसीज इस जगह के अंदर आएगी, दोनों का जो एरिया है क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया तो क्या होगा, ये स्पीसीज के अंदर क्या आएंगे, कुछ चेंजेज आएंगे। इवोल्यूशन है ही क्या कि चेंजेज आना, तो इस स्पीसीज में क्या आ गए, कुछ चेंजेज आ गए, इस स्पीसीज में अलग चेंजेज आ गए, ना ये इसके पास जा पा रहा था, ना ये इसके पास जा रहा था। तो यहाँ पर जैसे चेंजेज आते गए, एक नई स्पीसीज बन गई, यहाँ से क्या हुआ, एक नई स्पीसीज बन गई। तो ये स्पीसीज इस स्पीसीज से क्या थी,
फंक्शनली भी अलग थी और रिप्रोडक्टिवली भी क्या थी, इससे अलग थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक स्पीसीज से दो क्या बन गई, नई स्पीसीज बन गई। किसके कारण बनी, कि उनके अंदर क्या आ गया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कि उनकी जो प्लेस थी वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसने अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया, इसने अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। और यही क्या था हमारा स्पीसीएशन, कि एक नई स्पीसीज का क्या होना, फॉर्मेशन होना, किससे, प्री एग्जिस्टिंग से। ये स्पीसीज यहाँ से पहले से ही क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी, और इसी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से क्या हुआ, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। तो यही क्या था हमारा स्पीसीएशन। तो किस किस वजह से हो सकता है, जीन फ्लो की वजह से भी, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण भी। इनकी नेचर क्या करेगा, स्टेबल जो फेवरेबल करेक्टर है उनको क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, और उसी को क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर पास आउट करेगा। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट्स के अंदर या जीन के एलील्स है उनके अंदर क्या क्या सडन चेंजेस आ गया, और उन चेंजेस की वजह से क्या हो गए, वही जीन्स नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर क्या हो गए, पास आउट हो गए। और जीन क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को किसी भी करेक्टर को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो करेक्टर बनेगा। इस तरह से क्या होगा, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। यही क्या था हमारा स्पीसीएशन। थैंक यू।